भारत के हैदराबाद में टीम पाकिस्तान को मिली धमाकेदार जीत के बाद बाबर सेना के मुरीद हो गए एमएस धोनी और आकाश चोपड़ा। टीम पाकिस्तान को लेकर धोनी और आकाश ने दे दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान के हैदराबाद के मैदान पर नीदरलैंड के खिलाफ धमाकेदार जीत के बाद एमएस धोनी और आकाश चोपड़ा ने दिया है कौन सा बड़ा बयान, बताएंगे आपको आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वनडे विश्व कप 2023 का दूसरा मुकाबला शुक्रवार 6 अक्टूबर को पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच खेला गया। ये दोनों ही टीमों का वर्ल्ड कप का पहला ही मुकाबला था। हालांकि इस मुकाबले में पहले से ही पाकिस्तान की जीत पक्की लग रही थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 49 ओवर में 286 रन बोर्ड पर लगाए। पाकिस्तान की ओर से रिजवान और साउथ शकील ने 68 रनों की पारी खेली। आपको बता दें कि 287 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे नीदरलैंड की पूरी टीम 205 रनों पर ढेर हो गई और पाकिस्तान को इस मुकाबले में 81 रनों से जीत मिली। पाकिस्तान की टीम की इस धमाकेदार जीत के बाद भारतीय टीम के दो पूर्व दिग्गजों ने अपना अपना बड़ा बयान दिया है। टीम पाकिस्तान की जीत पर एमएस धोनी ने कहा है, जी हाँ बिल्कुल, टीम पाकिस्तान इस विश्व कप में एक स्ट्रॉन्ग टीम बनकर उभर कर सामने आई है। हालांकि टीम पाकिस्तान की गेंदबाजी में नसीम शाह की कमी बाबर को खलती नजर आई है, लेकिन टीम पाकिस्तान इस विश्व कप में एक बेहतरीन टीम उभर कर सामने आई है और विश्व कप की टॉप 4 टीमों में शायद शामिल होती नजर आएगी। इसके बाद आकाश चोपड़ा ने भी बड़ा बयान दिया है। आकाश चोपड़ा ने टीम पाकिस्तान की नीदरलैंड के खिलाफ जीत के बाद कहा, टीम पाकिस्तान हमेशा से ही कमबैक करना जानती है। जिस तरह से नीदरलैंड के खिलाफ 3 विकेट गिरने के बाद मोहम्मद रिजवान और शकील ने बल्लेबाजी कर टीम पाकिस्तान को वापसी कराई, वह यकीनन काबिले तारीफ है। पाकिस्तान की टीम आने वाले विश्व कप के महा मुकाबले में सभी टीम को कड़ी टक्कर देगी। तो दोस्तों, इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।